हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यू आर वॉचिंग राइड विद देव ऑन यूट्यूब। तो आज हम आ रखे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। ऑल 2020 BS6 क्लासिक 350 बुलेट। तो भाई इस बाइक में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और इस बाइक का जो कलर है ये भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो आपको इस बाइक के बारे में क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड हुए और इस बाइक में EFI आया है कैटेलिक कन्वर्टर, उसे लेकर बहुत सारे मिथ हैं लोगों के दिमाग में। तो उसके जो जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए इस पूरी वीडियो को सब्सक्राइब करके और एंड तक इस वीडियो को आप देखें। मैं आपके लिए पूरी बाइक का व्यू निकाल रहा हूँ। बाइक पीछे से देखने में कुछ इस तरीके से है। बाइक में पीछे आपको इंडिकेटर्स और बैकलाइट मिलेगी रेड कलर में और नंबर प्लेट का भी ऑप्शन मिलता है और आपको हैंडरेस्ट भी कंपनी देती है। और आपको ये आपको स्टैंड और ट्यूबलेस टायर विद डिस्क ब्रेक और आपके आते हैं EFI इंजन में। तो इस सब के बारे में हम अभी डीपली तरीके से बात करने वाले हैं। मैंने भी आपको एक बाइक का ओवरव्यू दिया था, तो अब करते हैं इस बाइक के सबसे पहले टायर की बात। तो बाइक में आपको मिलने वाले हैं डिस्क ब्रेक विद ABS डुअल चैनल। तो आपको पीछे भी आप इसमें डिस्क ब्रेक मिलेगा और ये आपको रात में हेल्प करेंगे ये रिफ्लेक्टर्स, जो कि एक नया फीचर है इस बाइक के लिए। आपको ये दोनों साइड अवेलेबल होता है, ठीक है भाई। और इस बाइक में आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि ये स्पोक्स हैं। स्पोक्स मतलब भाई आपका ट्यूबलेस टायर है। जब भी आपकी बाइक पंचर होती है आपको पूरा टायर खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपका जहाँ भी कहीं पंचर होगा वो आदमी जोड़ देगा और आपका बाइक रेडी हो जाएगी ड्राइव करने के लिए। इसमें MRF के टायर मिलते हैं कंपनी से, देख लो आप आराम से। इस गाड़ी का जो साइज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, 19 है कुछ, ठीक है, 52P MC करके इसके जो टायर है। और अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट के बारे में, जो कि आपको सिंपल येलो हैलोजन बल्ब के साथ ही पूरा गोल करके जो मिलता है आपको कंपनी फिटेड। यहाँ पे आपको कुछ लिखा भी मिलेगा WCRDS करके, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। तो आपको इंडिकेटर्स इस तरीके से मिलेंगे। अब इसमें आप आफ्टर मार्केट कुछ भी ग्रिल चढ़ती है जो ब्लैक कलर की, वो भी आपको एक ऑप्शन अच्छा खासा मिलता है। ये आपको मिलेंगी पार्किंग लाइट्स, अभी मैं आपको सब ऑन करके दिखाऊंगा इस गाड़ी में। तो बात कर रहे थे हम पार्किंग लाइट्स की इस गाड़ी के, तो ये आपको पार्किंग लाइट्स मिलती हैं जो कि आपके की के साथ फंक्शन करती हैं। अब मैं आता हूँ उस गाड़ी के मीटर के बारे में, जो आपको ऐसा मिलेगा। इसमें भी ये लगा हुआ है आपका बॉक्स टाइप का, जो कि कंपनी देती है सेफ्टी फीचर के मारे। ये आपकी की है। तो अभी हम करते हैं इस गाड़ी की को ऑन। पहले मैं आपको की दिखाता हूँ निकाल के। तो आपको की कुछ इस तरीके से मिलेगी देखने में, ठीक है भाई। अब इस की को हम लगाते हैं सीधा, और ये की लगाया और ये बाइक को मैंने कर दिया ऑन। तो इसमें आपको मिलता है ABS का ऑप्शन, जो कि इसमें है आगे पीछे, ठीक है। फ्यूल टैंक, अभी इसमें फ्यूल कम है इसलिए बिलिंग कर रही है। और ये आपका कैटेलिक इंजन जो लेकर है, कोई ऑयल वॉयल की अगर कोई लीकेज वगैरह कुछ भी होगा तो ये आपका बिलिंग करेगा। तो अभी मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊंगा, तब इसमें और लाइटिंग फीचर्स आएंगे। तो भाई स्टिल्थ ब्लैक कलर है, जो ये रेड कलर की शेप निकल के आती है ना, एक नंबर की शेप लगती है। इसके मारे तो आदमी इस बाइक को ज़रूर लेता है और ये बाइक एक तरीके से धूम मचा रही है मार्केट में। और ये बाइक सबसे ज़्यादा अब तक की उठने वाली बाइक है। और ये की के संग ही आपको फीचर मिलता है, जो रेड लाइट आपको ये देखने में जलने में मिल रही है ना, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर भी आप मिलेंगे, चेक कर सकते हो। और ये लाइट जला दी है मैंने आपके लिए। यहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं, मैंने अच्छा खासा फोकस कर रखा है वीडियो में। अब बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में। तो ये कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है BS6 का, ठीक है भाई। ये कंपनी फिटेड ही BS6 का एग्जॉस्ट है आपका। और ये आपका क्लासिक 350 की बैजिंग मिलेगी, रेड कलर की आउटलाइनिंग मिलेगी आपको। और अब ये है इसका पूरा इंजन। अब आप लोग चेकआउट करो, इसमें लिखा हुआ है EFI 350। मतलब भाई पहले आता था ट्विन स्पार्क, जो कि कंपनी ने अपना एक प्लस फीचर और इंक्रीज करते हुए बढ़ाया है, क्योंकि ये BS6 के बारे में हुआ है। जी हाँ, यही वो कैटेलिक कन्वर्टर है जो कि हमारे BS6 और BS4 में लगकर आता है, यही पहचान है। इसका काम क्या होता है मैं आपको एक सीधे तरीके से बताता हूँ। वो है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ये हमारी जो एयर निकलती है ना उसे प्योर करता है, जिससे कि जो हमारा इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है वो अब बचे, उसमें जो भी पॉल्यूशन की जो शिकायत आती थी उससे जहाँ तक है बहुत हद तक कम हो जाए। इसलिए ये कंपनी ने फीचर निकाला है। BS6 का मतलब होता है भारत स्टेज 6। और ये हमारा रॉयल एनफील्ड की इंजन पे भी आपको बैजिंग मिलेगी। और ये पूरा स्टील्थ ब्लैक इस गाड़ी का कलर का नाम है, तो आपको ये पूरा ब्लैक में मिलेगा। और ये आपको रेड फिनिश में रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलेगी, आउटलाइनिंग मिलेगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही रिलायबल
और कंफर्टेबल है। ये आपको ऑफ रोडिंग में इसका पता और महसूस मज़ा आएगा आपको, आप इसको फील कर पाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के टैंक के बारे में। जो टैंक मैंने आपको बताया था कि इस टैंक में आपको की के साथ ही ओपन होता है, देखो भाई, ठीक है। अब आपको इसे हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो जैसे थंडरबर्ड में एक माइनस फीचर था वो हाथ में आ जाता था, पर कंपनी ने इसे काम में रखते हुए इसी को इसमें दिया, जो आपके हाथ में नहीं आता, बाइक में लगा रहता है। इसे बंद करने का सबसे इजी वे है, जो आप इसे दबाएं, प्रेस कर सकते हैं आप इसे अच्छे से, देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ। और ये आपका लॉक हो गया और की आपकी बाहर आ गई ईजीली। अब आप इसे फिर से लगा सकते हैं इसमें, ठीक है भाई। अब मैं अभी थोड़ी देर आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, फिर इसको आपका एग्जॉस्ट का जो साउंड है, अभी आपको पार्किंग लाइट्स मिलती हैं, जब बाइक आपकी स्टार्ट होगी तब इसके हेडलैम्प ओपन होंगे। तो ये बी एस इसका एक नया फीचर है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का ऑप्शन भी मिलता आएगा। और इस बाइक का जो व्यू है वो कुछ तरीके से है, आप देख सकते हो इसे, ठीक है भाई। बाइक का ये जो पूरा एग्जॉस्ट आ रहा है BS6 के संग चलते हुए पूरा लंबा यहाँ तक, और ये आपका लग रहा है, जिससे कि आवाज़ में थोड़ा बहुत कहीं इफेक्ट आया है। ये आपके चैन सॉकेट्स हैं गाड़ी के, ठीक है भाई, ये आपके गाड़ी के चैन सॉकेट्स हैं, ये आप पूरा चेक कर सकते हो इस बाइक में। और EFI इंजन है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही कम्फर्टेबल इसकी सीट्स हैं, देख सकते हो आप इसमें, कुशनिंग इसमें बहुत अच्छी है, कुशनिंग कवर आपको आफ्टर मार्केट भी मिल सकता है। हैंड रेस्ट भी आपका, ये जो बैक रेस्ट होता है आपका, हैंड रेस्ट बोल दिया मैंने, बैक रेस्ट जो होता है ये आप अपना आफ्टर मार्केट भी ला सकते हैं, नहीं तो कंपनी वाला भी बहुत रिलायबल और आफ्टर लॉन्ग टाइम तक के लिए चलने के लिए बहुत बेहतरीन है। ये भी आपके सेफ्टी गार्ड्स में ही इंक्लूड होता है। तो ऐसी थी आज की कुछ वीडियो, तो ये है क्लासिक 350, देख लो भाई, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। ये आपका बैटरी का ऑप्शन है पूरा, ठीक है, ये आपका बैटरी का ऑप्शन है, यहाँ पे हॉर्न है। तो अभी मैं आपको हॉर्न और एग्जॉस्ट दोनों की आवाज़ सुनाऊंगा, तो करते हैं इस वीडियो को एंड। उससे पहले आप देख लीजिए इसमें एग्जॉस्ट और इसके हॉर्न का साउंड कैसा है। तो बाइक हो चुकी है स्टार्ट, अब इस बाइक का जो साउंड है और जो वाइब्रेशन इसमें काफ़ी हद तक कम हुई है, तो अभी मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सीलरेट करूँगा, तो आप इसके साउंड की आवाज़ सुन पाना। ये है BS6 का साउंड, ठीक है। और जो वाइब्रेशन की आप बात करोगे तो देख रहे हो ना शीशे, बुलेट है भाई, वाइब्रेशन तो होना ही है, नहीं तो फिर बुलेट का मज़ा ही क्या। और जो बुलेट का 350 का जो CC इंजन आता है, इसका भी मज़ा अलग ही है, वाइब्रेशन तो बुलेट में मिलनी है, बट पहले से बहुत हद तक कम हुई है। मैं यहाँ पे पकड़ के देख पा रहा हूँ उसे बिल्कुल आराम से, इसके इंडिकेटर्स मैंने ऑन कर दिए हैं आपको, ठीक है। ये आपके इंडिकेटर्स लुक्स लाइक, ये आपका इंडिकेटर चल रहा होगा इस यहाँ पर बड़े ही प्यार से और मस्त सा। ये आपको इंडिकेटर्स का, ये आपका हाई बीम लो बीम आप सामने देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपके लिए फोकस करके दिखाऊं, ये आपका हाई बीम और लो बीम, ठीक है। हॉर्न कुछ तरीके से इसका हॉर्न बाइक का, ठीक है भाई, ये हॉर्न था इसका। ये आपका किल स्विच ऑफ है, अब मैं इस बाइक को अगर भी चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ इससे। ये आपका सेल्फ स्टार्टिंग का कुशनिंग दे रखी है, तो बाइक को करते हैं बंद। भैया बाइक हो गई आपकी बंद। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है। अभी मैं आपको सर से मिलवाता हूँ, जो आपको इस बाइक के बारे में और अच्छा बता पाएंगे। तो मिलते हैं सीधा सर से। मेरा नाम हिमांशु है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस बाइक को परचेज करना है या इस बाइक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना, तो कल मुझे आप आ सकते हैं गणेश मोटर रावत चौराहा, आपके लिए थैंक यू, हमारा एड्रेस है और हमारे शोरूम को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गणेश मोटर थैंक यू किसी भी नाम से आप सर्च कर रहे हैं, इससे आप डायरेक्ट हमारे शोरूम पर पहुँच जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर ने आपको एक तरीके से पूरा क्लियर कर दिया है, अब आप आ सकते हैं, गूगल पे जो लोकेशन है, तो सर एक बार अपना मोबाइल नंबर भी धीरे धीरे बता दीजिए। आप नंबर नोट कर सकते हैं 9997878416। तो सर ने नंबर ही बता दिया, सर कोई बोलने से आप, मैं नंबर दोबारा से रिपीट कर सकता हूँ, 9997878416। तो ठीक है भाई, सर ने आपके लिए नंबर भी रिपीट करा है, तो इसके लिए थम्स अप कर लेना। तो सर हमारे वहाँ आप सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है आपको, फॉलो को मतलब सब्सक्राइब नहीं रखा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके लिए मैंने वीडियो भी निकाला है, ठीक है। अगर बाइक में आपको कोई भी लगाओ कि मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, वैसे मैंने हर चीज़ कवर करी है, पर फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका मैं आंसर दे दूंगा, जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए सर का नंबर लोकेशन सारी चीज़ें कर दूंगा। तो करते हैं वीडियो को एंड, सर हमारे को ऐसे कर देंगे, बाय बाय।